समरीन। हे गाइस, तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोग आगरा आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल, क्योंकि हमें अर्ली चेक इन करनी थी तो हम जल्दी से निकल गए। अब देखते हैं कि हमें रूम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये है यहाँ आगरा की रोड और चलो अब होटल चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए अभी होटल और अब जा रहे हैं अंदर। भाई आंखें बंद हो गई थी बिल्कुल कार में, लेकिन हम फाइनली पहुँच गए हैं। तो चलो अभी चलते हैं। और यहाँ पर सारे लोग ब्लॉग कर रहे हैं, देखो सारे के सारे लोग ब्लॉग कर रहे हैं। तो मैं आगे चल के आ गई। अरे यार देखो यहाँ पर ये बैठे ही है अभी तक। चलो अभी हम चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं हमें रूम मिलता है या नहीं मिलता है। अब यहाँ पे चेक इन हो रही है, देखते हैं हमें मिलता भी है या नहीं रूम। तो कैसा लग रहा है? पता लग रहा है कि आगरा आ गए। हाँ, क्यों नहीं लगा? मम्मी बताओ, यहाँ की वाइब अलग है। हाँ सब लोग होटल में तो आ गए, लेकिन चेक इन हुई नहीं। उससे पहले हमें पूल में आने के लिए जो है बोल दिया गया, तो पूल में आ रहे हैं सब लोग अभी। मैं आके बैठ गई हूँ, लेकिन मैं पूल में जाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे अभी कोल्ड है ही। और अम्मी बिल्कुल मना कर रही हैं कि पूल में जाना ही नहीं है, तो मैं आके बैठ गई हूँ। हम लोग सब आके यहाँ पे बैठ गए, हम दोनों को मना कर दिया, बिल्कुल नहीं जाएंगे पूल में। मैं आपको पूल का व्यू दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत मन भी कर रहा है जाने का, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी यार। सब लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पूल कैसा है यहाँ का। यहाँ तो देखो सारे के सारे कितने मजे में यार, सब पूल में नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, और मैं यहाँ आराम से बैठी हुई थी। लेकिन अच्छा ही हुआ मैं नहीं गई, क्योंकि अगर मुझे फिर से कोल्ड हो जाता तो मैं वीडियोस भी नहीं बना पाती, और अभी तक मेरी आवाज इतनी अच्छी खासी सही हुई भी नहीं है। और मैं अगर पूल में जाती तो पता नहीं क्या हाल होता। लेकिन इनको देख कर बड़ा मजा आ रहा था जैसे ये लोग कर रहे थे। तो अभी मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, और मैं तो चेंज नहीं कर रही हूँ यार, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल जैसे आई थी वैसी ही हूँ, बस मुझे यार रूम मिल जाए कैसे भी यार। पता नहीं मेकअप मेरा आज कैसे माशाल्लाह बिल्कुल टिका हुआ है यार, जबकि मैं इतनी गर्मी थी सुबह में स्टेशन पे तब भी आई। पता नहीं कैसे सब कुछ ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लग जाए। और मुझे आउटफिट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपना, रेड और वाइट। आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में बताना मुझे। मिल रही हूँ बहुत बहुत देर बाद, शाम को मिल रही हूँ मैं आपको। मैं हम लोग होटल तो आ गए थे, उसके बाद जब सब लोग पूल में गए उसके बाद से ऊपर आए, उसके बाद मैं इतना ज्यादा थक गई थी और मेरे लेंसेज लगाए हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, तो मेरी आंखें खुली नहीं रही थी। तो मैं अपनी आंखें बाहर धूप में ऐसे खोली थी, लेकिन फिर भी नहीं खुला था, कुछ भी कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर हम आए बहुत ही मुश्किल से अपने रूम में, उसके बाद हम लोग जो सोए तो उठे ही नहीं, सीधा अभी उठे हैं रात के 8 बजे। अब हमारा डिनर का भी टाइम होने वाला, हमने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। आज का दिन हमारा ऐसा था कि हमें आज घूमने जाना था बाहर यार, और ये लोग इतने सुस्त हो रहे हैं सबके सब बिल्कुल। ये लेजी, ये भी लेजी, काजल को देखो कितना आराम कर रही है, लेट कर उठी नहीं बेड से, उठी नहीं। और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो अभी हम लोग सोच रहे थे पूल में जाए, फिर हम पूल में नहीं जा सकते, पूल भी बंद हो गया। तो अभी हम वेट कर रहे हैं डिनर का, और इससे बोलो अम्मी कुछ। नमस्कार दोस्तों। अभी पापा भी कॉल कर रहे थे कि पूछने के लिए कि मेरी प्यारी बेटी समरीन ठीक है या नहीं है। और फिर मकान साहब, मेरा प्यारा भाई, मेरा छोटा सा बेबी, वो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है यार। यार वो सो रहा है, उसको मेरी बहुत याद आ रही है, सबसे ज्यादा मेरी आ रही है। लेकिन जाने से पहले उसने एक चीज करी मेरे साथ। मकासा ने घर से निकलने से पहले मुझे ये दिया कि मैं उसको पूरी ट्रिप पे याद रखूं, और जब जब मुझे दर्द होगा तब तब मैं अपने प्यारे मकासा एक मुंह पे भी निशान लगवा लो, फिर जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ वो कुछ दिनों में कर ही देगा। मुझे छोड़ के जाए, हाँ बेचारा बोर हो रहा होगा ना बेचारा। सच में उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है मुझे। मैं सोच रही अभी निकल जाती हूँ, तुम लोग आ जाना बाद में, मैं मकासा के पास जा रही हूँ। चल 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 चल, गेट से बाहर सीधा बाहर। समरीन गई मकासा को लेने। मेरा व्लॉग, क्योंकि मैं कर रही हूँ 5 डेज वाला चैलेंज, तो व्लॉग डालने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए नेट स्पीड ही नहीं चल रहा है। और ऊपर से ना मेरे फोन का स्टोरेज भी खत्म हो गया है, इसकी वजह से मैं दूसरे फोन से व्लॉग बना रही हूँ। और यहाँ पर खाने के लिए कुछ हमने मंगवाया था, खत्म हो गया ये रहो। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं जो रेड आउटफिट पहना था ना, उसे मैंने कुछ बनाया नहीं, तो वो मैंने अब रख दिया कल के लिए, क्योंकि कल हम ताजमहल जाएंगे, उसके बाद घर यहाँ आएंगे होटल, तो फिर चेंज करेंगे और फिर वो मैं पहन लूंगी, फिर उसमें जो भी कुछ करना वो कर लूंगी।
अभी मैं आ गई हूँ रील्स बनाने के लिए, क्योंकि यार रील बनाना बहुत जरूरी है। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम एक्टिव रहती हूँ। अभी ये जो रील बनाएगी वो इस व्लॉग में ऐड करके दिखा देना लोग, तो इंस्टाग्राम पे तो जाते नहीं है देखने के लिए। अरे यार चले जाएंगे, यार चले जाओगे ना आप लोग, अगर जाओगे तो यहाँ पर जो आईडी दिख रही है समरीन अली 142 इस पे जाओ और जाकर फॉलो करो, वहाँ पे रील देखना मेरी। चलो मैं जल्दी से रील बना लेती हूँ। क्या चल रहा है अम्मी? यहाँ स्नैपचैट बना रही है, एक्टिव है बहुत ज्यादा। अगर आप लोग स्नैपचैट पे एक्टिव हो तो हमें जाकर सब्सक्राइब करो samreen_ALII और वहाँ पर आपको ज्यादा अपडेट्स मिलेंगी। चलो स्नैप बनाओ मैं आपको, यहाँ की स्पीड दिखाती हूँ, नेट स्पीड क्या चल रही है। स्पीड इतनी ज्यादा भी है नहीं लेकिन फिर भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलो हम गाने लगाकर सुनते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम आए हैं किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आए हम, क्योंकि मैं गाने ऐसे लगा रही हूँ, ये सुनो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे गार्डन और उसके बाद हमारा डिनर टाइम हो जाएगा। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और नीचे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। चलो चले, हम अभी डिनर भी करेंगे, बहुत भूख भी लग गई और आज का दिन हमारा ऐसे ही निकला है। मैं हम लोग लेजी हो गए ना कि इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम नीचे ही जा रहे थे, नीचे जाते थे हमें कुछ सेलिब्रिटीज मिल गए हैं जिनके साथ मुझे पिक्चर्स लेनी थी, इसलिए मैं रुक गई। फोटो मिलेगी क्या मैम? काजल 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 प्लीज मैम एक फोटो। क्या आपकी बेटी समरीन अली है? क्या मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या आपकी फ्रेंड समरीन अली है? मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मैं आपको दिखाती थी यहाँ का गार्डन कैसा है। और हम लोगों को बहुत देर से मन था गार्डन में आने का, लेकिन जब सब लोग जा चुके हैं अब हम लोग जा रहे हैं गार्डन में, तो मैं आपको गार्डन का टूर देती हूँ। ये है मरीना गार्डन। तो चलो गाइस गार्डन में चलते हैं। गरम गरम गार्डन हो रहा है, फूल बगीचे, वाह यार बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारा रूम भी आपको यहाँ से दिख सकता है शायद। ओ यार यहाँ तो गार्डन इतना बड़ा है कि यहाँ पे हम बहुत कुछ खेल सकते हैं ना, हम कुछ खेल भी सकते हैं। पकड़म पकड़ाई, ऐसा लग रहा है कि किसी सोसाइटी में आ गए हम, पता नहीं क्यों। बस यहाँ पर थोड़े मच्छर काट रहे हैं क्योंकि रात हो चुकी है ना और हमारा डिनर टाइम भी होने ही वाला है, तो अब हम डिनर भी करेंगे। और बाहर यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा था इसलिए मैंने फोन से कैमरा स्विच कर दिया और हम कैमरा लेकर साथ में चल रहे थे कि कुछ भी हो तो हम कैमरा निकालें, क्योंकि कैमरा में तो कितना पता नहीं चलता है, लाइट इतनी आ जाती है कि रात को भी हम शूट कर सकते हैं। और क्वालिटी देखकर तो आपको पता चल ही रहा है कि मेरा कैमरा ही शूट कर रहा है। चलो फिर हम डिनर करने चलते हैं अब यहाँ पर से, क्योंकि डिनर टाइम हो ही गया है हमारा। 9:30 से डिनर करेंगे ताकि हम लंबी ज्यादा देर तक डिनर कर सके और ज्यादा बहुत कुछ खा सके। तो चलो अब हम जा रहे हैं अपना डिनर करने, पेट पूजा करने, बहुत भूख लगी और टाइम बिल्कुल नहीं बचा। और मैं किसी और के गेट के पास आके बोल रही हूँ, क्वालिटी आ रही है स्लाइड से इसलिए यहाँ पे खड़ी है। कोई आ गया, कोई आ गया यहाँ से। धूमता ना 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 ना, धूमता ना 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 ना, धूमता ना 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 ना। गलती से मैं बाहर चला गया था। हमने इतना शोर मचा दिया ना कि सब लोग कह रहे हैं कि कौन कहाँ के लोग आ गए जो पहली बार होटल में आए थे। मंगल बाजार लगा दिया आकर के। अब सारे अपने पर्सनैलिटी में आ जाओ जैसे स्टारबक्स में जाके करते हैं। देखो गाइज मैं आके बैठ गई हूँ सबसे पहले, ये देखो राउंड टेबल पे आके बैठी हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे सारे लोग आ ही नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे बैठने का सोच रहे हैं कि यहाँ पे बैठेंगे तो सारे लोग आ जाएंगे, 9 लोग हैं ना हम लोग इसलिए। समझ ही नहीं आ रहा क्या खाना है। ये तो चावल है, भाई करेला है। समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं क्या ना खाऊं यार, अब से देख ही रहे हम लोग, इधर देखो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आ गई गोलगप्पे खाने। अम्मी प्लेट में जगह नहीं है, ये गोलगप्पे उठा रहे हैं। ये लड़की अलग ले रही है, ये लड़की अलग ले रही है, सब मेरी प्लेट रेडी है। तो अभी मैंने खाना तो खाया था और मैं खाना खाना शुरू कर दिया था मैंने, लेकिन यार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे राइस खाना था और राइस के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि राइस जो है ना उसमें पता नहीं कैसी स्मेल आ रही है यार, इतनी ज़्यादा लग रही है। और मैं कैसे भी करके मुझे खाना खाना है। तो अभी मैंने राइस चेंज करवाने के लिए बोला कि दूसरा आप चेंज करो, तो अभी चेंज कर रहे हो। अगर फिर से भी अच्छा बन के आता तो फिर मैं अच्छे से खाना खाऊंगी यार। खाना कैसा है? वो राइस की वजह से वो कह रहा है कि वो भी राइस खाता है। क्या खाना है? राइस आ रहा है मेरे नया बन के, उसकी बदबूदार राइस आ गई ये पता नहीं यार कैसे। खाते खाते मुंह दुख गया सच में।
तो मेरे लिए जो राइस फिर से बन के आए थे वो राइस भी अच्छे नहीं है और मैं नहीं खा सकती हूँ, तो समझ लो कि मैंने डिनर सही से नहीं किया। 11 बज चुके हैं और मुझे कुछ सही सा खाना पड़ेगा क्योंकि हमें सुबह ब्रेकफास्ट करना होगा ताजमहल देख के आने के बाद। तो अभी तो बस जाऊंगी, ये ब्लॉग एडिट करूंगी और फिर सो जाऊंगी और फिर सुबह उठ के फिर रेडी वेडी होके मैं जाऊंगी ताजमहल, फिर वो देखकर आने के बाद जो भी करूंगी वो सब उसके बाद ही होगा। सबने भरपेट खाना खाया, इसने खाना नहीं खाया, अब ये सुबह तक भूखी रहेगी। नहीं मैं खुश क्यों हो रही है, तुम्हें रिएक्शन दे रही थी, स्किन बहुत ग्लो कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। हाइलाइटर और मेकअप मैं नहीं। गाइस इसको मिल रही है VIP ट्रीटमेंट। क्या ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, दीवार में क्यों चिपक रही है? तो सबने इसको शेफ ने अलग से बुलवाया और फिर कहा कि आपको चाहिए चावल तो मैं आपके लिए चावल बनवा दूंगा। ठीक है, खुश हो आप? बहुत बहुत बहुत। चलो तो फाइनली इसको चावल मिलने वाला है अच्छा वाला। चल भाग भाग यहाँ से, हट हट भाग। अम्मी क्या चुरा रही है इधर से, अम्मी का देखने दो भाई। हाँ सालन चुराया जा रहा है इधर। जमीन के लिए लिया जा रहा है स्पेशल चिकन चंगेजी। मैं अपने लिए लाई हूँ खाना। मेरा लो, मैं पकड़ लेती हूँ। समरीन का खाना है, समरीन को नीचे चावल पसंद नहीं आया। तो गाइस अभी पहले दिन ही बेहोश, आगरा के पहले दिन बेहोश समरीन हुई बेहोश। बिना खाए पिए समरीन हुई बेहोश, ये टाइटल। तो गाइस डिनर करके हम लोग आ चुके थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने लिए लेकर आई थी, तो अभी मेरे लिए राइस जो है वो आ रहा है और सब लोग सो गए यहाँ पर। देखो मैं ही जगी हूँ अपने लिए कि मैं खाऊंगी अभी, और यहाँ पर देखो सब मतलब सिर्फ हम लोग जगे हैं और बैठे हैं चावल का इंतजार कर रहे हैं इतने बेसब्री से। तो अब मैंने खाना खा लिया है और अब मुझे बहुत नींद भी आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकती, पहले मुझे एडिट करना पड़ेगा और मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही है नींद से, क्योंकि हमें अभी सुबह ही उठना है, 6 बजे ही जाना है ताजमहल। तो क्या कर सकते हैं, मैं अभी जाके एडिट कर लेती जल्दी से, फिर जाकर सो जाऊंगी। और मैं जा रही हूँ पहले तो अभी कपड़े निकालने अपने सुबह के लिए, और वो निकाल कर एक जगह पे रख दूंगी। तो बस यहीं पर खत्म होता है मेरा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो समरीन अली व्लॉग्स। और मैं आपको मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तो अभी के लिए बाय। Bye.